मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड यू वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। अभी हम बताने वाले हैं विजिटर्स का चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ऑन द फेस ऑफ इट। इसकी आज हम समरी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आइए करते हैं सबसे पहले समरी को स्टार्ट। ये जो कहानी एक नाटक के रूप में बनाई गई है ताकि जो बच्चे हैं उनको एक नाटक समझाने के लिए, ठीक है। तो आगे करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ये कहानी एक नाटक के रूप में प्रस्तारित है। इसके अलावा यह एक युवा लड़के डैरी और एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम श्री मेमने के बीच दोस्ती के बारे में है। अपने चेहरे के निशान के कारण वह बहुत परेशान होता है तथा उसको लगता है उसके साथ लोगों को जुड़ना पसंद नहीं है तथा लोग उससे जुड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए लोगों से छुपाने के लिए वह बूढ़े आदमी के बगीचे में आ जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब वह उससे मिलता है तो उसे इतनी घबराहट होती है। श्री मेमने ने उसे सहजता से कहा, सलाह दी और जीवन को स्वीकार करने के लिए कहा। इसके अलावा वह जीवन के लिए अधिकांश हसमुख तथा आशावादी दृष्टिकोण के रूप में देखता है। इसके अलावा वह डेयरी को पूरी तरह से जीवन जीने और कड़वाहट से बचने का संदेश देता है। वह आगे उसे जीवन स्वीकार करने की सलाह भी देता है। हालांकि डेयरी को श्री लैब का रवैया बहुत भावना तथा असंथारित किया जाता है। इसके अलावा वह डेयरी को अपने आप खुल जाने तथा बाहर आने की कोशिश करता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उससे दोस्ती करना चाहता है। अब यहाँ पे जो कहानी है इसका प्लॉट मैंने अभी आपको समझाया। ये जो कहानी है एक छोटे से लड़के और एक बूढ़े आदमी के बारे में है, जो है ना दोनों एक तरह से डिसेबल है, मतलब कि आप मान सकते हो विकलांग है। एक जो छोटा बच्चा है उसका शायद चेहरा जला हुआ है, जो बूढ़ा आदमी उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो उन दोनों से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, मगर वो दोनों आपस में दोस्ती करते हैं। बूढ़ा आदमी उसको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है, तेरे को किसी से डरना नहीं चाहिए अपने चेहरे की वजह से। तो आगे उसको वो कैसे सेक्रीफाइस करता है, कैसे मनाता है, तो आइए हम इस कहानी में जानेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट, कहानी एक किशोर लड़के डैरी से शुरू होती है जो कि एक बगीचे में प्रवेश करता है। एक दुर्घटना के कारण जब डैरी के चेहरे पर एसिड बह गया था, इसकी तरफ से वो जल गया था। अब जो डैरी है उसके चेहरे पर एसिड गिर जाता है गलती से, उसकी वजह से उसका जो आधा चेहरा है वो ख़राब हो जाता है। वह लोगों के सामने जाने से डरता है तथा उनसे आगे अपना मुँह छुपा के चलता है क्योंकि उसका जो चेहरा इतना भयानक हो जाता है बगीचे में, क्योंकि ऐसा करने से लोग उससे चिढ़ते हैं तथा वह दूर दूर भागते हैं। बगीचे में प्रवेश करने से पहले वह पाता है कि बगीचे में मौजूद लोग वहाँ से छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह सोचता है कि लोगों को जाने से अच्छा वह छोड़ने की कोशिश करता है कि मैं ही वहाँ से छोड़ के चला जाऊँ बगीचे को। अब बूढ़ा आदमी जिसका नाम वैसे तो मिस्टर लैब है, लैम, मगर वो बोलते हैं श्री मेमने, उसे रोकते हैं। बगीचे का जो मालिक है वो श्री मेमने, यहाँ पे उसको मेमने वर्ड बोला गया, लैम को मैं लैम बोलूँगा। आगे वो बोलते हैं अनुमति के बिना नहीं पहुंचना डेयरी का दोष मानता है। अब वो कहता है किसी से बिना पूछे उसके बगीचे में आना डेयरी के दोष होते हैं। हालांकि श्री लैम अपने बगीचे में उसका स्वागत करते हैं और उसे बताते हैं उसकी उपस्थिति के कारण उसे छोड़ना नहीं है। लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते जो डेयरी को लगता है, इसलिए वह उसे छोड़ना चाहता है। तब फिर उसे मिस्टर लैम अपने और रहने के लिए कहते हैं, अपने पास रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद वे बातचीत करना शुरू करते हैं कि कोई भी उसे डेयरी को पसंद नहीं करता और वह कैसे लोगों से नफरत करता है और इसी प्रकार वह लोगों से व्यवहार करता है। अब लोग जो है उसको घृणा नफरत भरी नज़रों से देखते हैं क्योंकि उसका जो फेस है वो जला हुआ है, वो बाकियों से कुछ अलग दिखता है उनको, ठीक है। तो ऐसा सोचने लगता है बच्चा अपने अंदर। इसके अलावा श्री लैम्ब उसका संतावना देने का प्रयास करते हैं। संतावना का मतलब होता है पेशेंस, उसको समझाते हैं, ठीक है। ऐसा वो मानते हैं कि मैं समझाऊंगा अगर इस बच्चे को तो शायद ये मान जाए। मिस्टर लैम्ब ने उसे बताया कि उसके पास एक ही टांग है और बच्चे किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। अब मिस्टर लैम्ब अपनी कहानी बताते हैं कि उसके पास कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब जैसे दो टांग होती है सबके पास नॉर्मली, उसके पास भी एक टांग है, एक टांग उसकी है ही नहीं, मगर फिर बच्चे उसको लंगड़ा लंगड़ा बोल के उसके मजाक उड़ाते हैं। फिर मिस्टर लैम्ब आगे बताते हैं कि उनका जो पूरा जीवन था वो काफ़ी आनंद में बीता था, मतलब कि खुशी से बीता। उनकी बातचीत चालू थी, ऐसी स्थिति में होने के बाद डैरी को डर, घृणा, अवसाद के बारे में विभिन्न चीज़ों का प्रकट करवाता है। इसके अलावा श्री जो लैम्ब है वो कहते हैं सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने को कहता रहता है। लैम्ब समय से पहले ही अपने दोस्त बना लेता है तथा मिस्टर डैरी अपने बगीचे को केकड़े सेब को लूटने की सहायता से करने के लिए कहा।
अब जो मिस्टर लैंब है वो बोलता है मेरे बगीचे में बहुत सारे सेब लगे हैं, क्या आप लूटना चाहोगे इसको, मतलब खाना चाहोगे। डैरी ने बताया कि वह घर से बहुत दूर आ गया है और उसने अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो श्री लैम्ब उसे अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी से पहले अनुमति लेनी चाहिए। फिर उसके बाद डैरी को यह मुश्किल लगता है कि वह दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है। अब जो डैरी और लैम्ब है उनके जो विचार हैं वो मिलते नहीं है। डैरी जो है छोटा बच्चा है तो वो अनुमति लेने से मना करता है, मगर लैम्ब उसे बार बार समझाते हैं। उसे लैम्ब से कहती है कि अपनी माँ से अनुमति मांगकर वापस आएगी। अब जब लैम्ब उसे समझा देते हैं तो वो जो डैरी है वो बोलता है ठीक है, मैं अपनी मम्मी से अब प्रॉमिस करता हूँ कि अनुमति लेके, मतलब परमिशन लेके ही आपके पास आऊँगा। हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह कहीं भी जाए, किसी से भी वादा करे और किसी के पास जाए आए बैठे। तो मगर जो डैरी है उसका दिल उस लैम्ब के पास लगने लगा था, धीरे धीरे उसको वो अच्छे लगने लगे थे। इस बीच श्री लैम्ब सेबों को गिराने के लिए ऊपर से एक सीढ़ी लाते हैं। फिर उसे यकीन था कि डैरी वापस आएगा, इसके अलावा वह विकलांगता के कारण उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब डैरी चाहते हैं कि मैं उस पेड़ पर बैठूं चढ़ के, ठीक है, और वो जो डैरी आएगा लैम्ब आएगा दोनों मिलके बैठेंगे बातें करेंगे, मगर वो विकलांग है इस मारे वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। आगे वो बताते हैं ये सीढ़ी से फिसल जाता है और मर जाता है। अब जो मिस्टर लैम्ब है वो फिर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो ये सोचते हैं क्या पता मैं चढ़ जाऊं। ऊपर चढ़ने के कारण जैसे वो नीचे गिरते हैं तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर डैरी उसकी मदद करने के लिए बगीचे में लौटती है परमिशन लेके अपनी मम्मी से, जब वो पूछ के आता है तो, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने से पहले फर्श पर लेटा हुआ देखता है। इसके अलावा वह स्थानांतरित करने के रूप में उसका प्रयास करता है लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में उसे पता चल जाता है कि वह मर चुके हैं, वह रोना शुरू कर देता है। एक ऐसा आदमी जो आपको समझता है जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो उसी तरह का दुख जो है डैरी को होता है। अब उसके साथ जो मिस्टर लैम्ब है वो उसको छोड़कर चले गए, लेकिन लेखक कहना चाहता है कि हमें अपनी उपस्थिति पर कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर वो उस समय अपनी मम्मी से पूछकर आया होता तो शायद आज वो उसके साथ बैठा होता। साथ ही हमें बताता है कि हमें सकारात्मक और आशावादी भी होना चाहिए, हमें कभी झूठ या फिर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, उनकी भी मदद हो सके, वो भी चैप्टर को रीड आउट कर सके। चैप्टर के नोट्स अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।